नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। इस स्टॉक का प्राइस 29 फरवरी 2024 को लिस्ट हुआ था जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड एंड करंट प्राइस चला है 154 का। लिस्ट होने के बाद देखिए स्टॉक का प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था एंड जो भी इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई किए थे ना वो ट्रैप हो गए थे, लेकिन जिस टाइप का अभी स्ट्रक्चर शो कर रहा है लुक्स लाइक अभी उनको रिवार्ड मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, टारगेट क्या बनेगा, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज विजय किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे हेल्थ केयर का एंड इंडस्ट्री है हेल्थ केयर का, जैसे कि स्टॉक का जो मार्केट कैप है अराउंड 1263 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व कैश है 136 करोड़ का, डेप्ट इक्विटी है 0.14 जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी बिलो 1 आप उसको मैनेजेबल कंसीडर कर सकते हैं। इंडस्ट्री पी के नीचे स्टॉक का पी चल रहा है एंड प्रमोटर यहां पे होल्डिंग कर रहे हैं 65.6% होल्डिंग। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स देखिए यहां पे ग्रो किया है एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे नेट प्रॉफिट भी यहां पे ग्रो किया है। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। जैसे कि प्रमोटर के पास माल है 65.6% बहुत ही अच्छा है, अबव 50% मार्क है। एफआई यहां पे ठीक ठाक का क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं 7% के आसपास। डीआई के पास माल है 11.61% एंड पब्लिक यहां पे होल्ड कर रहे हैं 16.14% एंड पब्लिक के बीच में बिग इन्वेस्टर यहां पे 1.2% होल्ड कर रहे हैं। तो 16.2 - 1.2 तो अराउंड 15% यहाँ पे पब्लिक के पास माल है जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक में रिटेल होल्डिंग बिलो 20% आप उसको मैनेजेबल कंसीडर कर सकते हैं एंड यहाँ पे तो रिटेल होल्ड कर रहे हैं ओनली 15% जो कि एक मैनेजेबल क्वांटिटी है। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए जीपीटी हेल्थ केयर का डेली चार्ट ओपन हुआ है। देखिए 29 फरवरी को यहाँ पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद शार्प सप्लाई के बाद बॉटम फॉर्मेशन किया था प्राइस 139 के आसपास जो कि स्टॉक का प्राइस के लिए अभी के लिए एक मेजर सपोर्ट। अगर इस लेवल के आसपास आ जाता है यहाँ पे तो एंट्री करना ही करना है एंड स्टॉक का प्राइस के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है जो लिस्टिंग डे का हाई है 220 का, तो यहाँ पे दोनों लाइन मार्क कर लीजिएगा। एक हो गया 220 जो कि है मेजर रेजिस्टेंस एंड और एक लाइन हो गया यहाँ पे मेजर सपोर्ट 139। अगर प्राइस जब भी इस लेवल को टेस्ट करेगा आपको अभी के लिए सेल करना है एंड जब भी 139 के आसपास आएगा यहाँ पे बाय करना है। देखिए इन बिटवीन प्राइस यहाँ पे क्रिएट किया है एक डबल बॉटम पैटर्न विथ एमएसडी डाइवर्जेंस, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। आफ्टर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड प्राइस यहाँ पे डबल बॉटम कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ए हो गया बॉटम 1, ए हो गया बॉटम 2 एंड आप एमएसडी का यहाँ पे डाइवर्जेंस देख सकते हैं एंड जिस टाइप का प्राइस यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न कंस्ट्रक्शन कर रहा है जैसे ही इस स्विंग हाई को प्राइस ब्रेक करेगा तो यहाँ पे डबल बॉटम का कॉन्फर्मेशन हो जाएगा एंड आने वाले टाइम में प्राइस पहले इस हाई को टेस्ट करेगा उसके बाद लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है। आई होप कि आप डिटेल्स में विथ एमएसडी डाइवर्जेंस का डबल बॉटम पैटर्न को समझ पा रहे होंगे एंड ये पैटर्न एक्टिवेट होगा जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे दिस स्विंग हाई 169 को ब्रेक करेगा। ध्यान रखिएगा तब तक ये डबल बॉटम पैटर्न एक्टिवेट नहीं होगा जब तक प्राइस यहाँ पे 169 लेवल को ब्रेक नहीं कर लेता है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा 169 लेवल को उसी केस में जो प्रीवियस स्विंग लो बनेगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट बनेगा लाइफ हाई जो कि नियरली 220 के आसपास है। आई होप कि आप डिटेल स्ट्रक्चर को समझ पा रहे होंगे एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट को मारती होंगे एंड हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।